हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं ट्रू कंपेयर। आज हम इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 रिकॉर्ड्स कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं चारों टीम की टेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसे इंग्लैंड ने 1877 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, पाकिस्तान ने 1952 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, इंडिया ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया ने 1877 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने कुल 1034 मैच खेले, पाकिस्तान ने 437 मैच खेले, इंडिया ने 550 मैच खेले और ऑस्ट्रेलिया ने 834 मैच खेले है। इंग्लैंड ने 377 मैच जीती और विन रेट 36.40, पाकिस्तान ने 142 मैच जीती और विन रेट 32.50, इंडिया ने 162 मैच जीती और विन रेट 29.50 और ऑस्ट्रेलिया ने 394 मैच जीती और विन रेट 47.20। इंग्लैंड ने 308 मैच हारे और लॉस्ट रेट 29.80, पाकिस्तान ने 132 मैच हारी और लॉस्ट रेट 30.20, इंडिया ने 169 मैच हारी और लॉस्ट रेट 30.70 और ऑस्ट्रेलिया ने 226 मैच हारी और लॉस्ट रेट 27.20। इंग्लैंड ने 249 मैच ड्रॉ किया, पाकिस्तान ने 162 मैच ड्रॉ किया, इंडिया ने 218 मैच ड्रॉ और एक मैच टाई किया और ऑस्ट्रेलिया ने 212 मैच ड्रॉ और दो मैच टाई किया। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की करंट आईसीसी रैंक नंबर 3, पाकिस्तान की करंट आईसीसी रैंक नंबर 5, इंडिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 1 और ऑस्ट्रेलिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 4 है। अब बात करते हैं चारों टीम की ओडीआई रिकॉर्ड्स के बारे में। इंग्लैंड ने 1971 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, पाकिस्तान ने 1973 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, इंडिया ने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया ने 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। इंग्लैंड ने कुल 754 मैच खेले, पाकिस्तान ने 933 मैच खेले, इंडिया ने 993 मैच खेले और ऑस्ट्रेलिया ने 955 मैच खेले है। इंग्लैंड ने 379 मैच जीती और विन रेट 52.80, पाकिस्तान ने 490 मैच जीती और विन रेट 54.10, इंडिया ने 516 मैच जीती और विन रेट 54.70 और ऑस्ट्रेलिया ने 579 मैच जीती और विन रेट 63.40। इंग्लैंड ने 339 मैच हारे और लॉस्ट रेट 44.90, पाकिस्तान ने 414 मैच हारे और लॉस्ट रेट 44.40, इंडिया ने 427 मैच हारे और लॉस्ट रेट 42.90 और ऑस्ट्रेलिया ने 333 मैच हारे और लॉस्ट रेट 34.90। इंग्लैंड ने 9 मैच टाई किया और 28 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है, पाकिस्तान ने 9 मैच टाई किया और 20 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है, इंडिया ने 9 मैच टाई किया और 41 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच टाई किया और 34 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की करंट आईसीसी रैंक नंबर 4, पाकिस्तान की करंट आईसीसी रैंक नंबर 6, इंडिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 3 और ऑस्ट्रेलिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 2 है। अब बात करते हैं चारों टीम की टी20 रिकॉर्ड्स के बारे में। इंग्लैंड ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 डेब्यू किया, पाकिस्तान ने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू किया, इंडिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया ने 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू किया। टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने कुल 131 मैच खेले, पाकिस्तान ने 170 मैच खेले, इंडिया ने 142 मैच खेले और ऑस्ट्रेलिया ने 136 मैच खेले है। इंग्लैंड ने 66 मैच जीती और विन रेट 53.20, पाकिस्तान ने 104 मैच जीती और विन रेट 62.80, इंडिया ने 88 मैच जीती और विन रेट 64.90 और ऑस्ट्रेलिया ने 71 मैच जीती और विन रेट 54.10। इंग्लैंड ने 58 मैच हारी और लॉस्ट रेट 44.30, पाकिस्तान ने 61 मैच हारी और लॉस्ट रेट 35.90, इंडिया ने 47 मैच हारी और लॉस्ट रेट 33.10 और ऑस्ट्रेलिया ने 60 मैच हारी और लॉस्ट रेट 44.10। इंग्लैंड ने 2 मैच टाई किया और 5 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है,
पाकिस्तान ने 3 मैच टाई किया और 2 मैचों की रिजल्ट नहीं मिले है। इंडिया ने 3 मैच टाई किया और 4 मैचों की रिजल्ट नहीं मिले है। और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच टाई किया और 3 मैच की रिजल्ट नहीं मिली है। T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की करंट आईसीसी रैंक नंबर 1, पाकिस्तान की करंट आईसीसी रैंक नंबर 4, इंडिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 2 और ऑस्ट्रेलिया की करंट आईसीसी रैंक नंबर 5 है। अब हम चारों टीम की अक्रॉस ऑल फॉर्मेट की कंपेयर करेंगे। इंग्लैंड ने 1877 में आईसीसी डेब्यू किया, पाकिस्तान ने 1952 में आईसीसी डेब्यू किया, इंडिया ने 1932 में आईसीसी डेब्यू किया और ऑस्ट्रेलिया ने 1877 में आईसीसी डेब्यू किया। इंग्लैंड ने कुल 1920 मैच खेली है, पाकिस्तान ने कुल 1540 मैच खेली है, इंडिया ने कुल 1685 मैच खेली है और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 1925 मैच खेली है। इंग्लैंड ने कुल 822 मैच जीती और विन रेट 44.80, पाकिस्तान ने कुल 734 मैच जीती और विन रेट 48.70, इंडिया ने कुल 766 मैच जीती और विन रेट 48.30 और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 1044 मैच जीती और विन रेट 54.70। इंग्लैंड ने कुल 705 मैच हारी और लॉस रेट 34.70, पाकिस्तान ने कुल 607 मैच हारी और लॉस रेट 39.40, इंडिया ने कुल 643 मैच हारी और लॉस रेट 38.10 और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 619 मैच हारी और लॉस रेट 32.20। इंग्लैंड ने 349 मैच ड्रॉ और 11 मैच टाई किया, पाकिस्तान ने कुल 162 मैच ड्रॉ और 12 मैच टाई किया, इंडिया ने कुल 218 मैच ड्रॉ और 13 मैच टाई किया और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 212 मैच ड्रॉ और 13 मैच टाई किया। इंग्लैंड की कुल 33 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है, पाकिस्तान के कुल 22 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है, इंडिया की कुल 45 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है और ऑस्ट्रेलिया की कुल 37 मैचों की रिजल्ट नहीं मिली है। आईसीसी ट्रॉफी। इंग्लैंड के करंट कैप्टन जो रूट और वेन मॉर्गन, पाकिस्तान के करंट कैप्टन बाबर आजम, इंडिया के करंट कैप्टन विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के करंट कैप्टन एरन फिंच और टिम पेन। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड, पाकिस्तान के कोच मिसबाहुल हक, इंडिया के कोच रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के कोच है जस्टिन लैंगर। इंग्लैंड ने एक बार वर्ल्ड कप जीती है, पाकिस्तान भी एक बार वर्ल्ड कप जीती है, इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीती है और ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीती है। इंग्लैंड ने एक बार T20 वर्ल्ड कप जीती है, पाकिस्तान भी एक बार T20 वर्ल्ड कप जीती है, इंडिया भी एक बार T20 वर्ल्ड कप जीती है और ऑस्ट्रेलिया 0। चैंपियन ट्रॉफी। इंग्लैंड 0, पाकिस्तान ने एक बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है, इंडिया ने 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है और ऑस्ट्रेलिया भी 2 बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो गाइस स्टेट्स के अनुसार हम जज करें तो पर्सनली मुझे लगता है टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है और T20 क्रिकेट में इंडिया बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है, ओवरऑल कौन सा टीम बेस्ट है, कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।